आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। काशी तमिल संगम, महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु से व्यापार प्रतिनिधिमंडल का पांचवां जत्था वाराणसी पहुंच गया है। 216 लोगों के प्रतिनिधिमंडल का देर रात वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। मेहमानों का डमरू के खेल और फूलों की पंखुड़ियों की बारिश से स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल में तमिलनाडु के लोगों के अलावा पुदुचेरी और आसपास के क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। काशी विश्वनाथ पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया। तो तमिलनाडु के ओडीओपी का प्रतिनिधित्व करता है स्टॉल, वहां के किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की भी कहानी कह रहा है, साथ ही काशी तमिल संगमम में काशी के लोगों को भी आकर्षित कर रहा है। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं। ये एक स्टॉल है इस पवेलियन में जो एम्फी थिएटर में है। तमिलनाडु के जो प्रोडक्ट हैं हर जिले के, उन जिलों के खाद्य जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर लगा रखा है। क्या क्या आपके बेहतरीन उत्पाद हैं और किस तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? जी सर, सर ये हम तमिलनाडु से प्रोडक्ट लेके आया है। हम 38 डिस्ट्रिक्ट से सभी डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट्स हम लेके किया है। हम ये एक PMFMA स्कीम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरा देश में। उसका स्कीम का नाम PMFMA स्कीम, प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये सभी माइक्रो एंटरप्राइज के लिए उनका कैपेसिटी बढ़ने के लिए हमारा मध्य सरकार ने इम्प्लीमेंट कर रही है स्कीम। अभी तमिलनाडु से 19 यूनिक प्रोडक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किया है, उसी प्रोडक्ट्स हम यहाँ रखे हैं, ये पब्लिक डिस्प्ले के लिए हम यहाँ रखे हैं। जो तमिलनाडु के उत्पाद हैं उनके बारे में यहाँ के लोगों को भी जानकारी हो रही है, और यही तो मकसद है काशी तमिल संगमम का कि जो उत्पाद हैं, जो संस्कृति है, उसके बारे में लोग जानें, भाषा को समझें। मुझे बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट कि हम डिफरेंट स्टेट्स की चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं, और एक ये प्लस पॉइंट है कि इन लोगों ने बताया है कि दीज प्रोडक्ट्स आर सन ड्राइड, देयर इज़ नो केमिकल। जैसे धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने BHU को इसके लिए सेलेक्ट किया। ये सब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों के लिए बहुत गर्व की बात है। ये यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को प्रोफेसर धन्यवाद देना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि कितने गर्व की बात है कि हमको आतिथेय का मौका मिला, जिसके लिए काशी जानी जाती है, अतिथि देवो भव का भाव रखती है, उसका भी प्रोफेसर ने बताया। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह, गौतम, DD न्यूज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आकाशवाणी से